3, 2, 1, start. सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपर टेक की 40-40 मंजिला दो इमारतों को गिराने का आदेश देकर साफ कर दिया है कि अब बिल्डरों की मनमानी नहीं चलने वाली। ये दोनों इमारतें सारे नियम कायदे तोड़ते हुए प्राधिकरण की मेहरबानी से खड़ी कर ली गई थी, पर अब इन्हें 3 महीने के भीतर ढा दिया जाएगा। अदालत के इस फैसले को एक सख्त संदेश के रूप में देखे जाने की जरूरत है। संदेश यह है कि बिल्डरों से लेकर प्राधिकरणों तक को अब नियम कानूनों के तहत ही काम करना होगा, वरना ऐसे ही कड़ी कार्रवाई होगी। अदालत ने साफ कर दिया कि घर खरीदारों के हितों से ऊपर कुछ नहीं है। सर्वोच्च अदालत का यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश भर के उन सभी बिल्डरों के लिए एक बड़ा सबक है जो घर खरीदने वालों के सपनों को एक दुस्वप्न में बदल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट से पहले 11 अप्रैल 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अवैध रूप से बनी इन दोनों इमारतों को गिराने का निर्देश दिया था, पर तब सुपर टेक ने इस उम्मीद में सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया कि वहां कुछ राहत मिल जाए, लेकिन अदालत ने निवेशकों के दर्द को महसूस किया, इसलिए सुपर टेक को निर्देश दिया कि वह इस परियोजना के घर खरीदारों को 12% ब्याज के साथ पूरा पैसा 2 महीने के भीतर लौटाए। गौरतलब है कि पिछले 2 दशकों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में आवासीय परियोजनाएं खड़ी हो गई हैं। इनमें ज्यादातर परियोजनाएं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हैं। नामी गिरामी बिल्डर लाखों लोगों को घर देने का सपना दिखाकर अरबों का कारोबार खड़ा करते गए। ज्यादातर खरीदार इस उम्मीद में पैसे लगाते रहे कि NCR में इनके पास भी एक छत हो जाएगी, लेकिन देखने में आया कि लोगों को लंबे समय तक घर ही नहीं मिला। खरीदारों के पैसे से बिल्डर एक के बाद एक जमीनें खरीदते रहे। हालांकि पिछले कुछ सालों में सर्वोच्च अदालत ने कुछ बड़े बिल्डरों के खिलाफ सख्त कदम उठाया, पर आज भी लाखों लोग घर के इंतजार में भटक रहे हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक नोएडा में 1.5 लाख और ग्रेटर नोएडा में 2 लाख लोगों को फ्लैटों का कब्जा नहीं मिला है। बिल्डर कानूनी लड़ाई में लगने वाले समय का फायदा उठा रहे हैं और निवेशक रो रहे हैं। सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में बिल्डरों के साथ प्राधिकरण के संबंधी अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने को कहा है। बिल्डरों और प्राधिकरण के अधिकारियों की साठ गांठ से चलने वाले संपत्ति कारोबार की जड़ें काफी गहरी हैं। कोई भी इमारत प्राधिकरण के अफसरों की इजाजत के बिना खड़ी नहीं की जा सकती। अगर कोई बिल्डर नियम कायदों को तोड़ते हुए 40 मंजिले खड़ी कर लेता है तो जाहिर है बिना बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के यह संभव नहीं हो सकता। आखिर कैसे नियम कायदों को ताके पर रखते हुए बिल्डरों को योजना में बदलाव करने और अवैध निर्माण की इजाजत देने का खेल चल रहा, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। अदालत के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की नींद खुली है। मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के संबंधी अफसरों पर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन प्राधिकरणों में अनवरत चलते रहने वाला यह भ्रष्ट कारोबार किसी से छिपा नहीं है। अगर सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करे और भ्रष्ट अफसरों पर निगरानी
रखे तो ना अवैध इमारत ही खड़ी हो पाएगी और ना ही कोई बिल्डर लोगों को ठगने का दुस्साहस कर पाएगा। पर यह सब करे कौन, यही बड़ा सवाल है। स्टॉप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।